सो एक बार फिर तो अज तुहाडे सामने हाजिर है वीजा एक्सपर्ट सजीत सिंगला जी दे नाल। अज गल करते हैं भी दिसंबर का जो इनटेक है वह कैनेडा आस्ट्रेलिया जड़े ने उन्होंने बंद हो चुके हैं, अगे की संभावनावान ने स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि पंजाब जाना चाहता विदेश। तो अज साढ़े स्टूडियो आए ने सचिन सिंगला जी, सब तो पहला तुहाडा स्वागत है सचिन जी। तो सचिन जी अज असीं यह जानना चाहते हैं कि जिवें दिसंबर का जो इनटेक है वह खत्म हो गया, तो अगले जिहड़े कित्थों दीआं जिहड़ियां एडमिशन शुरू हो गई ने तां जो जिहड़े स्टूडेंट ने उन्हां नूं अगे आपां कुछ सही राह पा सकीए। गुरु सर जिम्मे अपने गल की है कि जिम्मे पिछला जो सितंबर का इनटेक निकल रखे तो बहुत ही क्रूशल इनटेक निकल है, बहुत सारे बच्चों रिफ्यूजल का भी सामना करना पाया, बहुत सारे बच्चों वीजा भी मिले ने। तो अगले इनटेक की गल करिए वैसे जनवरी इनटेक है मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस के फुलफिल हो चुके हैं, हम ज़्यादातर कॉलेजेस मई 2022 शुरू हो चुके हैं, सितंबर 2022 शुरू हो चुके हैं, तो कुछ कॉलेजेस के उस तो पहला भी एक इनटेक है जिसनों आप मार्च इनटेक भी कहने। एक सचिन जी तुहाडी गल दे विचों गल है भी जिहड़े भी किते देखदे आ इमीग्रेशन दे ऑफिस खुले ने जां स्टडी वीजे दे खुले ने 10,000 वीजा लग गया, 5,000 वीजा लग गया, लख वीजा लग गया, तो जिहड़ी असीं देखदे आ रिजैक्शन रेट वह 70% है, तो ये थोड़ा मिसगाइड नहीं हो रहे बच्चे इस दे विच? गरुण सर जो आप गल करिए ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि असी 100% सा वीजा सक्सैस रेट रहा है, यदि उसने एक फाइल आई तो ऑटोमैटिकली जो वीजा ग्रांट है 100% ही वीजा ग्रांट रहा है। जी 70% की गल है ओवरऑल जो एस बी एस कैटागरी के वीजा सक्सैस रेट रहा है वह 60-70% ओवरऑल पहला भी इदा ही रहा, क्योंकि हूँ की पिछले 1.5 साल जी फाइल सी सारिया स्टक हो चुकिया सगिया उ तो स्टक होने तो बाद जो रिजल्ट से इकट्ठे आए तो इस करके लोगों जो सा इमीग्रेसन कंसल्टेंट्स है उन्होंने हूँ पता लगे कि इधर का जो रेट सगा उस सिर्फ 50-60% ही रेशियो रही है एस बी एस के नॉन एस बी एस जी है 40-50% रेशियो ही रही है। अजे मौके सिंगला साहब जो स्टूडेंट ने वह हताश हो जाते हैं भी कैनेडा का वीजा नहीं लगे जिस लगे होर कि मुल्क संभावनावान ने जिते चंकी विद्या भी है और जिते जीवन भी सैट हो सकता है? बिल्कुल सर वैसे तो जी इस देखते वैसे कोई भी कंसलटेंट आ नहीं चाहता हूँ कि वह वीजा कहीं रिफ्यूज हो, क्योंकि हरेक कंसलटेंट एक अच्छी सोच में लैके ही वीजा किसी बच्चे का ग्रांट करता है। कई बार की होंगे कि कोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होंगी तो वो की करता उसके नाल जो कोई पैरलर या उसके नाल लीगल जज का कोर्स लगता है उसको अप्लाई करते जिसके करके बच्चे को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सैकेंड चीज़ की होंगी कि कई बार की होंगे कि कॉलेजेस ऑफर लैटर दे देने बट उसकी जी अपने इमीग्रेशन जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं होंगे तो इस करके वीजा रिफ्यूज होता है, जिसे जिदा असं पिछली बार देखे सितंबर के जोड़े बच्चे का वीजा रिफ्यूज हुए हैं तो ज़्यादातर बच्चे ने वह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਲ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਓ ਪੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਸ ਓ ਪੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਓ ਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਓ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਮੈਨੇ ਆਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਾਲਜਿਸ ਆਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸ ਓ ਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ  6 ਬੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਹਿਊਜ ਲੈਟਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਕੋਲ 1,000 ਸੀਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 7% ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1,200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,500 ਲੈਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਪੀ ਆਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਗਿਨ ਆਈ ਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ
कि असं कॉलेज में इनफॉर्मेशन नहीं कर पाते तो जो बच्चा उत्थे जाता है तो बच्चे लगता है कि मेरी एडमिशन ही नहीं हुई जबकि बच्चे ने फीस भरी होंगी सारा कुछ भरया होंगे क्योंकि ऑलरेडी इमीग्रेशन दिखा के आया होंगे इसी करके बच्चे को आही प्रॉब्लम्स बार बार आदि कि उत्थे जाके बच्चे लगता है कि मेरी एडमिशन ही नहीं हुई तो फिर क्या ऑटोमेटिक डेफरमेंट कर देते हैं अगले इंटेक के लिए मतलब लायक जो स्थापित जो है एजेंट उन्होंने को सलाह लेनी चाहिए है ना कि आप जिते दुकाना छोटी छोटिया खुलिया ने उतों पर सलाह लीए क्योंकि बहुत सारे नुकते ने जो एक स्टूडेंट बाहर जाता है और तकलीफ जी एक बार उतन की बहुत ज्यादा बहुत सारिया मुश्किल क्रॉस करनिया पैदा ने सो यह रंग भी तो किसी ने मिसगाइड करता जी नॉलेज जी घट है तो थोड़ू रस्ते उत्थे पहुँच के किसी किस्म की कोई तकलीफ हो गई तो सिंगल सर जो आप गल कैनेडा अमेरिका या आस्ट्रेलिया तो बात करते हैं तो यूरोप के कि कंट्री ने जितने चंगी ऑपरचुनिटीज है जे अभी आप यूरोप की गल करते एक अच्छी कंट्री की जिमें गल करिए अभी डेट से जो सब तो वह आई टी सैक्टर जो दो या तीन कंट्री मूव हुई ना डेनमार्क है स्वीडन है तो फिनलैंड है जितने आई टी का बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चे उत्थे जा सकते हैं ईवन आ नहीं है आई टी हरेक चीज़ के बहुत अगे ने वेजिज रेट भी कैनेडा बिल्कुल इक्वलेंट ने 5 साल बाद एडमिट भी पी आर है 3 साल उत्थे घट्टो घट बच्चे स्टडी पूरी करनी पेगी जो बच्चा प्लस टू तो बाद 3 साल की है जो बच्चा ग्रेजुएशन तो बाद जा रहा है तो 2 साल की स्टडी हैगी है तो वह बच्चे पूरी करनी पेगी घट्टो घट आही उत्थे दी यूरोप का एक स्टैंडर्ड है जिहड़ा उसनू सर्टिफिकेट मिलना वो यूरोपियन यूनियन को मिलना है तो इस करके की है कि बच्चे पढ़ने तो बाद वर्क परमिट मिलता है 18-18 महीने का तो वर्क परमिट तो बाद बच्चा अपनी परमानेंट रेजिडेंसी उत्थे ईजीली लै सकता है। एक होर सिंगल साहब बड़ी जी स्टूडेंट्स उन्होंने मन च होंगी है भी कैनेडा असं एक बार पैर धर लिया तो सू पी आर होगी कि इन्नी सौखी पी आर है कैनेडा की या बाकी देशों से बहुत मुश्किल है भी लोग कैनेडा भजते हैं या कुछ भरम फैलाए हुए लोगों के सर जे गल करिए पी आर का प्रोसैस जो कैनेडा का थोड़ा ईजी इस करके लगता है कि उत्थे पॉइंट बेस सिस्टम है ड्रॉ सिस्टम है हरेक ईजी लगता है भी मैं जल्दी पी आर मिल जाती जबकि जो कैनेडा का आप फैडरल प्रोग्राम पढ़िए तो उस पूरा आता है कि बंदा पहले 2 साल पढ़ेगा जी 18-19 महीने की पढ़ाई है जी फिर 36 महीने का वर्क परमिट 5 साल का तो वैसे ही निकल जाने बट बच्चा की करता कि 1.5 साल बाद ही वह परमानेंट रेजिडेंसी एलिजिबल हो जाता वह बच्चा अपने डॉक्यूमेंटेशन पाँगा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जिस करके उसमें परमानेंट ईजीली आया लगता है कि मैंने 4th या 5वें साल हो जाता बच्चा इसी करके बच्चा कैनेडा ज़्यादा प्रैफर करता है अदर कंट्री ना तो हूँ आप गल करते हैं जी अगे जड़े कि समाज का इनटेक जिस एडमिशन स्टूडेंट्स की हो सकती है तो जो थोड़ा उन्होंने भी गाइड हो सके सर बहुत सारे प्रोग्राम ने जो जनवरी के भी खाली ने बहुत सारे कॉलेजेस खाली ने कैनेडा के मार्च है इनटेक है उस तो मई इनटेक है फिर सपटेंबर भी है उस कॉलेज जुलाई इनटेक भी अवेलेबल है कैनेडा के। एक होर छोटा जा सवाल वैसे थोड़ा जा आउट ऑफ ट्रैक है कई बार कस्बिया पिंड चो लंघी दा ते 10-10, 20-20 और कितने तो 50-50, 100-100 आइल सेंटर बने हुए हैं और वैसे बीइंग ए पत्रकार असीं थोड़ी जी जानकारी प्राप्त की थी तो 1% की 0.5% कोल भी लाइसेंस नहीं है तो उत्थे 100-100, 200-200 बच्चों की जी शमूलियत है तो कि वह बच्चों नाल ते मां-बाप नाल खिलवाड़ नहीं है सर बिल्कुल जो खिलवाड़ है जी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जी रेगुलेशन है उसमें कोई फॉलो नहीं कर रहा जेडे आई जी गल की है जेडे बच्चों की तो बच्चों की होंगे कि बच्चे 3 या 4 महीने बाद जो अपने आल से एक रिजल्ट लेने 5 या 5.5 बैंड आने तो फिर बच्चा फैड अप हो जाता कि मेरे तो आल से बैंड ही नहीं आ रहे तो असं पिछले 2 साल चाहे देखे कि बच्चे तो भी 5.5 बैंड के ना फिर बच्चा कहते हैं मेरी कितने कितने फाइन लग जाए उ बच्चे ज़्यादा ठगे का शिकार होने क्योंकि उ जो एजेंट्स है झोला छाप एजेंट जिन्हों असं कह रहे हैं सारी इंडस्ट्री के वो की करते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के इधर उधर के कॉलेजेस के अल्टर करके जो भी करके फाइल्स नूं अपलोड कर देने हैं जिस करके बच्चे का जो भविख है वो बहुत ज़्यादा खराब है ईवन कि मैं 2 बच्चों का तो मैं खुद नाम भी लैके दस सकता जिन्हों का आह हो चुका है जी। सो एक पॉजिटिव सुनेहा जी जो नवे स्टूडेंट ने उन्होंने सिंगल साहब थोड़े वालों तो थोड़ा जहा सही हौसला भी रख सकना तो जो करोना का टाइम वो मुश्किल बहुत आई हैं पर अगे उन्होंने की सुनेहा दोगे जोड़ा अगे का स्नेह है वो बच्चे आई है कि जो भी तुसी किसी भी कॉलेज अप्लाई करना तुसी खुद पहले उस कॉलेज बारे पूरी जानकारी लो कि वो कॉलेज थोड़े लिए सही है
क्या जो तो प्रोग्राम दिता जा रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिस अलग अलग तरह के प्रोग्राम ने उसमें अलग अलग तरह डिफाइन किया जाता है, एजेंट्स वाले अलग अलग तरीके दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कि मैं इस प्रोग्राम में जाके भविष्य में करना की है। तो इस तो पहले कि बच्चे आप प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने जिसने एक बार छे सिक्स ईच बैंड लै लेते उसमें पूरी नॉलेज हो जाती है कि मैंने अगर कि प्रोग्राम से जाना है तो कि कॉलेजेस में जाना है। जे खुद असी सर्च करते हैं तो उस होंगे कि बच्चे खुद को पता लग जाता कि मैं अगर जाके पढ़ना की है तो मेरा करियर की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर गलबात जारी रहेगी, अगर मिलते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे मसले जो आते रहेंगे, कोई अगर संभावना होंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।